शासन की मंशा है कोई भी पात्र जरूरतमंद योजनाओं से वंचित नहीं रहे। कलेक्टर संदीप माके ने सिनावल पहुंचकर विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा लिया। 1 लाख से अधिक की राशि जलकर के रूप में जमा करने पर सिनावल की सरपंच हुई सम्मानित। दतिया कलेक्टर संदीप माके ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तीसरे दिन दतिया जिले के ग्राम सिनावल में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग लिया और उपस्थित जनों को शपथ दिलाई। दतिया कलेक्टर संदीप माके ने कहा कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी द्वारा 16 दिसंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा 5 राज्यों में शुरू की गई, जिसमें मध्य प्रदेश राज्य भी शामिल है। उन्होंने कहा कि संकल्प यात्रा के माध्यम से केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी एवं हितग्राही मूलक योजनाओं का पात्र हितग्राहियों को 100% लाभ दिलाना है। कलेक्टर ने इस दौरान बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए संचालित 20 एवं शहरी क्षेत्र के लिए 17 योजनाओं के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को 100% लाभ दिलाना है। कलेक्टर संदीप माकिन ने स्थानीय विद्यालय की छात्राओं द्वारा स्वागत गीत एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देने पर उन्हें पुरस्कृत किया और ग्राम पंचायत सिनावल द्वारा जलकर के रूप में 1 लाख रुपये से अधिक की राशि संग्रहित करने के लिए ग्राम पंचायत के सरपंच श्रीमती मिथिलेश अहिरवार का सम्मान किया। कलेक्टर श्री माकिन ने ग्रामीणों से संकल्प यात्रा के माध्यम से योजनाओं का लाभ लेने एवं समय पर जलकर की राशि जमा करने के लिए संकल्प भी दिलाया। हमारा संकल्प यात्रा मध्य प्रदेश में चूँकि चुनाव चल रहे थे तो इसलिए अब 16 दिसंबर से प्रारंभ हो पाई है जो 26 जनवरी तक चलेगी। इसमें ऐसी 4 वैन जैसे आप हमारे पीछे देख रही हैं ये हमें शासन से प्राप्त हुई हैं, जिनका हमने प्रोग्राम बनाया है और एक दिन में 1 वैन 2 गांवों को देखती, 2 पंचायतों में जाएगी। इसमें मुख्यतः 17 और 3 20 स्कीम्स हैं भारत सरकार की, जिनमें माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि उनमें कोई भी पात्र हितग्राही शेष न रहे। तो एक तरह से ये प्रधानमंत्री जी की गारंटी है और इसी आशय का उनके द्वारा परसों उद्बोधन दिया गया था और हम लोग भी यहाँ पे तदनुसार जैसे निर्देश हैं कि चाहे आयुष्मान योजना हो, उज्ज्वला हो, हेल्थ कैंप हो या इस तरह की अन्य सारी गतिविधियाँ यहाँ पे संचालित करें और इन सभी स्कीम्स में हम लोग सैचुरेशन पॉइंट पे पहुँचें। इसमें पंचायतों के द्वारा सहयोग काफ़ी प्रदान किया जा रहा है, सरपंच साहब हमारे साथ खड़ी हैं और ये जब कार्यक्रम हो जाएंगे उसके बाद हम पंचायतों से प्रमाणीकरण भी लेंगे कि वो कम से कम 20 योजनाओं में कोई भी ऐसा व्यक्ति या पात्र व्यक्ति शेष नहीं है गांव में जिसको उस योजना का लाभ दिया जा सकता हो।